नमस्कार दोस्तों, नए से वीडियो में स्वागत है आपका। अभी हम जा रहे हैं पुणे से कोलकाता और कोलकाता से बोकारो जाऊंगा, फिर बोकारो से जाऊंगा अपने गांव मरौली। तो ये पुणे स्टेशन है, मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूं आपको। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहां पे। हमारी ट्रेन 3:15 में दुरंतो एक्सप्रेस है। पहले आपको थोड़ा स्टेशन दिखा देता हूँ। अभी पहले मुझे रोड उस पर जाना है, मुझे कुछ काम है, पहले उस काम को निपटाऊँगा, उसके बाद क्योंकि मेरे पास कैश पैसे हैं नहीं, एक महीने में पैसे का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। बट आज जा रहा हूँ, सारा काम मोबाइल से ही हो रहा था। और पीछे जो दिख रहा है खपड़ा है, वो पुणे स्टेशन है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज, क्योंकि आज छुट्टी है। तो ये है पुणे स्टेशन, थोड़ा दूर से दिखा दिया आपको मैं। अभी रोड क्रॉस करना है मुझे। हावड़ा दुरंतो वीकली ट्रेन है। हावड़ा दुरंतो वीकली ट्रेन है और काफ़ी भीड़ है, पता नहीं क्यों। मैक्सिमम लोग बिहार के हैं जाने वाले, शायद लगन चल रहा है इसीलिए। 1221 और 2014 किलोमीटर का सफ़र है। तो 3:15 में खुलेगी और कल शाम को 8:15 में वहाँ पे पहुँचेगी। भीड़ देखिए भाई, एकदम लंबा लंबा लाइन टिकट के लिए है। हर स्टेशन का इंडिया में ही हाल है, जब भी जाइए कभी भी खाली मिलने वाला है नहीं आपको। तो आगे प्लेटफॉर्म पे और 3 नंबर से जाएगी वो ट्रेन, हमारी लग रही है शायद। चलते हैं आगे की तरफ। दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। हम लोग इधर आ गए हैं तो हमको ओवर ब्रिज क्रॉस करना होगा। और पुणे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बड़ा लफड़ा है भाई, पहले तो हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं, फिर अभी ऊपर आ गए हैं और 6 नंबर तक जा रहे हैं। कंफ्यूजन वाला कंडीशन है, चारों तरफ सूटकेस का पहिया का घड़ घड़ आवाज आ रहा है। कहाँ कहाँ जाना है, कैसा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल हाईवे के किनारे, बगल में हाईवे है और ये हाईवे से सटा हुआ प्लेटफॉर्म है। जितने डब्बे हैं उतना कलर है, B3। और सबसे दुखद बात, हमारा सीट मिला है एक अपर बर्थ और एक मिडिल बर्थ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो हमारे डिब्बे का कलर अच्छा है, इसका मतलब हमारा किस्मत बढ़िया है। ये रंग मुझे बहुत पहले से ही पसंद था। तो टाइम हो गया 14:45 और बचे हैं आधे घंटे ट्रेन खुलने के लिए। कुछ प्रॉब्लम आ गया, इतना लंबा सफ़र करने के बाद तो प्रॉब्लम होना ही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। 1 महीने के बाद और ये हमारा है डब्बा 3rd AC का, सीट नंबर कौन सा है मुझे तो पता नहीं कुछ। इसी में है शायद, अरे कहाँ पड़ गए यार, कचर बचर में भाई। किस्मत बहुत बढ़िया था, मिडिल और अपर था, लेकिन एक अंकल को चेंज करना था तो हमको मिल गया साइट और बेडिंग खोल दिया। बेडिंग में मिला एक टॉवेल वाइट, जो किसी ट्रेन में मिला नहीं आज तक, इसमें मिला हुआ है, और 2 बेडशीट, पिल्लो और कंबल। चलिए लगाते हैं बेड। ये देखिए खाना, बना बनाया खाना जाता है क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दाल है,
ये सब खाना जा रहा है। पहले तो ट्रेन में बनता था यार, पता नहीं क्या हो गया है। खाने का तो हाल बहुत ही बुरा है ना, इतना दूर से टांग के ले जा रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ। इस ट्रेन में खाना पानी चाय सब कुछ फ्री है, बट मैं ये देख के बहुत ही हैरान हूँ कि खाने का क्या हाल है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है बनके। बाल्टी तो ले जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन खुलने का तो टाइम हो ही गया, एक मिनट बचा हुआ है, 15:15 टाइम हो ही गया। देखते हैं राइट टाइम खुलती है कि नहीं। राइट टाइम तो पहुँचेगी नहीं, मुझे पता है। ये ट्रेन डाइवर्ट है बीच में, तो ट्रेन का हॉर्न हो गया शायद। भाई बड़ा कठिन समस्या है। तो ट्रेन गई खुल, बट तभी भी लोग उतर रहे हैं और कुछ लोग दौड़ भी रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत ही बेकार प्लेटफॉर्म है, जगह बिल्कुल नहीं है, कोई पानी वाला नहीं है और बगल में हाईवे है। इधर है एक बिस्किट का दुकान जो काफ़ी आगे था, हम यहाँ पे आना ठीक था नहीं। पता नहीं क्या करते हैं लोग यार, दौड़ते रहते हैं। हाँ फ्लाइंग किट बढ़ जा तू इतने प्यार बात। अभी ये कहाँ उतर रहे भाई तू चलती ट्रेन से? ये लोग कौन है यार, कहाँ जाना चाहते हैं? क्या हो गया इसको? कितना घना पेड़ है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, बहुत ही घना लग रहा है भाई साहब। इतना गंदगी, किनारे किनारे हर स्टेशन पे अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण वाले घर है, बहुत बुरा हालत है भाई देख के। और भाई ट्रेन अपने फुल रफ्तार में आ रही है, 40-50 का रफ्तार हो गया। बहुत छोटे छोटे कमरों में लोग यहाँ रहते हैं। सामने जो दिख रहा है ना, बिल्कुल 8x8 का भी नहीं है। ट्रेन में इतना साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, औसम। पूरा ट्रेन खुशबू ही फैल गया। और चार्जिंग पॉइंट भी है बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, और ओढ़ने के लिए भी दिया हुआ है। बट साफ सफाई सर्विस अभी तक बहुत अच्छी है। एक बोतल पानी फ्री मिल चुका है। शाम को स्नैक्स आएगा वो भी दिखाऊंगा, डिनर वो भी दिखाऊंगा, और ये सब कुछ फ्री है क्योंकि हमने खाने का पेमेंट किया हुआ है इसमें। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनको पैसा देना होगा।
तो ये आ गया हमारा इवनिंग स्नैक्स, एक नमकीन है, इसमें क्या है, रसगुल्ला, एक समोसा और सैंडविच, रोटी का आइटम है। बिल्कुल अंधेरा हो गया, दोनों तरफ से पर्दा लग गया है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये इवनिंग स्नैक्स हमारा, चलिए एंजॉय करते हैं।